दिल हो कि जुदा तुमसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। वेलकम एवरीवन टू माय डेली ब्लॉग। हाँ जी, हमें आप लोगों से प्यार हो गया है, इसीलिए आ जाती हूँ डेली आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके। तो अगर आप लोगों की भी उलझन है कि हेल्दी डाइट में डेली क्या क्या नाश्ता बनाएं नहीं समझ में आ रहा है, तो हर हाउसवाइफ की उलझन को सुलझाने में आ गई हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। सभी को राधे कृष्णा, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है ब्लैक चना चाट का, जो परफेक्ट है ब्रेकफास्ट के लिए। और दूसरा, आप जब भी छोले वगैरह बनाएं, एक कटोरी अपने लिए बॉइल्ड काबुली चना निकाल के रख लें, हर रेसिपी में काम आता है। और फलों की ये बास्केट ऐसी सजी नहीं रहनी चाहिए, जब भी मन करे यहाँ से उठा के फ्रूट खा लो, तो अपने किचन काउंटर में फ्रूट्स रखना स्टार्ट कर दो। जब भी भूख लगे तो सबसे पहले ये ऑप्शन चुनो, इससे काम नहीं चलेगा तब आगे का। तो दूसरा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है मूंग दाल, जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। मूंग स्प्राउट्स आप रेडी कर लें, 2 दिन में बढ़िया मूंग स्प्राउट तैयार हो जाते हैं। तो उनको आप कुछ नहीं, थोड़े से तेल में, अगर आप स्पाइस मतलब तीखा खाना पसंद करते तो 1 हरी मिर्च डाल लें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस ब्रेकफास्ट में आप केवल ब्लैक पेपर पाउडर और नमक से ही इस ब्रेकफास्ट को बना सकते हैं, और वेट लॉस में बहुत काम आता है। तो अगर अभी तक आपने ब्रेकफास्ट में ये ऑप्शन चूज नहीं किया है तो इसको चूज कर लो। अगर वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए इससे अच्छा और कोई हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है। तो 2 मिनट आप इसको भून लें, और अगर आपको अच्छा देखने में बहुत सुंदर बनाना है तो इसमें पनीर और जितना वेजी आप डाल सकते हैं, तो मैं तो खीरा टमाटर सब कुछ डाल देती हूँ। आपको जो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है वो इसके साथ ऐड कर सकते हैं, और बहुत ही टेम्प्टिंग ब्रेकफास्ट रेसिपी तैयार हो जाएगी आपकी बिना किसी एफर्ट के। तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा आपको, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए हेल्दी होती है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको 6 से 7 ऑप्शन बताऊंगी ब्रेकफास्ट के। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आइए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरे से कनेक्ट रहें। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ट्राई कीजिए, नहीं तो ऐसे भी अच्छा है। तो ये खूबसूरत सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। मैं अपने ब्लॉग में आपके साथ पूरे हफ्ते के ब्रेकफास्ट आइडिया शेयर करने जा रही हूँ, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों के लिए हैं। आप अपने वाला चूज़ कर लीजिए और ट्राई कीजिए और मस्त रहिए। तो ये सुंदर सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, 2 ऑप्शन मैं बता चुकी आपको। तीसरा ऑप्शन, आप जब भी मशरूम की सब्ज़ी बनाए वेजिटेबल डाल के, तो भाई अपने लिए क्रीम डालने से पहले थोड़ी सी सब्ज़ी अलग निकाल लीजिए। इसको आप मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ सैंडविच बना के खा लें या रोटी के साथ, दोनों ही ऑप्शन ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट हैं। चलते हैं ऑप्शन नंबर 5 ब्रेकफास्ट के। तो ये मैं सोयाबीन का कीमा बनाया है, और उसके साथ मैंने ढेर सारा लेटुस, और साथ में इसमें ली है मैंने रेड चिली सॉस, बाज़ार की नहीं, घर पे बनी हुई। और मेयोनीज़ को आप रिप्लेस कर दो हंग कर्ड से। तो मल्टीग्रेन के साथ ये ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है। ये है मेरा ऑप्शन नंबर 6 ब्रेकफास्ट, काबुली चने बॉईल करके थोड़ी सी वेजीज के साथ कम ऑयल की सब्ज़ी बना लो लंच के लिए, और ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ी सब्ज़ी मैश करके सैंडविच बना के खा लो।
नंबर 7 ऑप्शन ब्रेड ऑमलेट, एवरग्रीन और सबसे जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन में। तो नंबर 8 ऑप्शन में जब भी आप वेजिटेबल्स डाल के कोई रेसिपी बना रहे हो घर के खाने की, तो आप क्या करें उसमें थोड़ा सा तेल कम रखें, थोड़े से मसाले कम डालें और थोड़ी सी वेजिटेबल्स अलग निकाल लें अपनी ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए, और बाकी आप घर वालों की पसंद के हिसाब से उसमें मसाले वगैरह ऐड करके वो रेसिपी अलग से बना सकते हो। तो जो लोग अंडा खाते हैं उनके लिए बेस्ट हाई प्रोटीन हाई फाइबर फुलफिल करने वाला ब्रेकफास्ट है। आपको कुछ नहीं करना, उन वेजिटेबल्स में आपको 2 से 3 अंडे डाल लेने हैं, और क्योंकि नमक मिर्च मसाला सब कुछ उसमें ऑलरेडी है तो आपको कुछ नहीं करना है। बस अभी थोड़ा सा तेल डालो और मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करो। मल्टीग्रेन ब्रेड मस्ट है जब भी आप राइट ईटिंग कर रहे हो तब। तो आपको ये मेरे हफ्ते भर के ब्रेकफास्ट आइडियाज़ कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। कल मैं लेके आऊँगी आपके लिए लंच आइडियाज़, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।